हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियनकोडिंग.com। आई होप प्रीवियस वाले लेक्चर सब सबको समझ आए होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं एचटीएमएल की एंटिटीज के बारे में तो बात हमने कर ली थी, आज हम एचटीएमएल के सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। एचटीएमएल के सिंबल्स तो ये भी एंटिटी की तरह ही होते हैं, बट इसको हम सिंबल्स कहते हैं, बस यही डिफरेंस है। लेक्चर 27 कंट्रोलर से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाके देखते हैं कि कैसे चल रहा है। देखिए चल रहा है। तो सिंबल कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है यूरो का, मैंने कुछ कुछ तो आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। यूरो, आई होप आपने वो लास्ट लेक्चर वाली टेबल अच्छे से पढ़ी होगी। ये आपका एक तरह से रिवीजन कम कुछ एक्स्ट्रा सीखने का काम आ जाएगा। एंड हैशटैग 8 3 6 और ये मेरे को लर्न है, आपको टाइम के साथ हो जाएंगे, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखिए, ये दोनों यूरो आ गए। अब जिसके अंदर भी देंगे, H3 के अंदर दिया तो थोड़ा बोल्ड होके आया, P के अंदर दिया तो लाइट आ गया। तो बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं, जैसे मैथ्स का सिंबल होता है फॉर ऑल, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर ऑल, तो उसके लिए हमें करना है एंड फॉर ऑल, कंट्रोलर से सेव, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। देख लीजिए, ये फॉर ऑल का सिंबल आ गया। ये सिंबल होता है फॉर ऑल का। आई होप जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे उनको फॉर ऑल पता होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, मैंने एक टेबल बनाई है जो कि मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ इमेज की फॉर्म में। तो ये देखिए, ये सारे आप सिंबल पढ़ सकते हैं। ये मैं इमेजेस भी सारी आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड करके बाद में पढ़ सकते हैं। तो ये सारे सिंबल्स हैं। अब मैं आपको और बताना चाहूंगा, कुछ ग्रीक लेटर्स भी होते हैं, ग्रीक लेटर्स, उनके भी मैंने एक टेबल बनाई है, उसका भी आप वहीं से देख सकते हैं। तो से यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे। ये देखिए, ये सारे ग्रीक लेटर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एफ, ये मैथ्स वाले लोग जानते होंगे अच्छे से। ये सबके आप नंबर से भी कर सकते हैं, एंटिटी से भी कर सकते हैं, और ये करेक्टर ऐसे डिस्प्ले होंगे। देन लास्ट होता है हमारा सम अदर एंटिटीज होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और एंटिटीज जो रह गई थी, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे। जस्ट अ मिनट, मैंने शायद नेम गलत दे दिया। हाँ, ओ ही नेम है उसका, मैंने E1 लिख दिया। और कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए, ये अदर एंटिटीज है, जैसे कॉपीराइट का सिंबल, रजिस्ट्रेशन का सिंबल, ट्रेडमार्क, ये सब आप देख सकते हैं। ये इमेजेस आपको सब प्रोवाइड हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है लास्ट लेक्चर जैसे ही है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑन indiancoding.com। आई होप सब आपको समझ आया होगा, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप Q&A सेक्शन में डाल